अब हम बात करेंगे मुस्लिम राजनीति की। 2019 में मुस्लिम राजनीति का क्या रोल होगा? हम आपको बता दें, 3 तलाक के मुद्दे पर पहले ही बीजेपी लीड ले चुकी है और दूसरी ओर असम में नागरिकता के सवाल पर अपने चुनावी वायदे को पूरा करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा असम में काफी अहम है और 2019 के चुनाव में काफी अहमियत रखता है। असम से 1 करोड़ सुबह सुबह पहले तो संसद परिसर में टीएमसी के सांसदों ने असम में नागरिकता के सवाल पर प्रदर्शन किया। बाद में जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अंदर भी सवाल उठाए गए। दैट दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी टू ड्राइव आउट बंगालीज फ्रॉम असम, नेम्स ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स, यस वी आर सेइंग दैट दिस पीपल। विपक्ष के सवाल का जवाब देने खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और सफाई दी कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय असम में एनआरसी का काम जो चल रहा है वह सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में एनआरसी का काम चल रहा है और पहली सूची 1,90,00,000 लोगों की जो है प्रकाशित हुई है। कोर्ट ने भी कहा है किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी का नाम कहीं पर छूट गया है तो पुनः वह ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है, दे सकता है और उसकी पूरी तरह से छानबीन होगी। यह एलिगेशन जो लगाया जा रहा है कि लोगों को वहां से बाहर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, यह पूरी तरह से बेसलेस एलिगेशन। लेकिन असम में लोग घबराए हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश सिन्हा जब बांग्लादेश की सीमा से सटे असम के धुबरी जिले में पहुंचे तो उन्हें कई ऐसे परिवार वाले मिले जिनका नाम नागरिकता के लिस्ट में नहीं है और अब वो सहमे हुए हैं। एक बात बताइए, परिवार में 6 सदस्य, 5 लोगों का नाम एनआरसी की सूची में नहीं है, आपकी स्त्री का नाम है, आपकी वाइफ का नाम है, क्या कहेंगे? बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं है? कितने सालों से यहाँ रहते हैं? हम तो यहाँ 2003 से यहाँ में रहते हैं। हमारा प्रदेश है बरकलियत पार्ट 2 में, 15-10-1970 में हमारा प्रदेश है और हम अभी सरकार से ये अपील करना चाहती है जो हमारा जो सदस्य का नाम नहीं आया उनके हमको ये दरखास्त है जो हमारा सबको नाम एनआरसी में आना चाहिए। हमारा जन्म भारत में हुआ, उसके बावजूद नाम नहीं, वो हमारा बांग्लादेश पाकिस्तान कोई रिश्ता नहीं है, हमारा जन्म भारत है, हम भारत के सम्मान कर इज्जत करते हैं। असम की कुल आबादी 3,29,00,000 है। पहली लिस्ट में 1,90,00,000 लोगों के नाम आए हैं, बाकी 1,39,00,000 लोगों का नाम नहीं है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि और 2 लिस्ट निकलना बाकी है, उस लिस्ट में नाम जरूर आएगा, लेकिन लोग जो हैं ये सवाल कर रहे हैं कि बच्चों का नाम आ गया, एक परिवार में अगर 20 सदस्य हैं तो 4 जो नाम लिस्ट में आया है वो नाम 4 बच्चों का है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वयस्क हैं, उनका नाम नहीं आया। ऐसे में सवाल ये बनता है, या यहाँ के लोग सवाल ये कर रहे हैं कि बच्चों का नाम आ गया तो परिवार के बड़े लोगों का यानी कि बुजुर्ग लोगों का नाम क्यों नहीं है? असल में पूरी कवायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए हो रही है। जो लोग भारत के नागरिक रहेंगे उन्हें तो तमाम संवैधानिक सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जो लोग नागरिक नहीं रहेंगे वो वोट देने के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। असम में करीब 34% मुस्लिम आबादी है। 33 में से 9 जिलों में 50% से ज्यादा मुस्लिम है। बांग्लादेश से सटे धुबरी जिले में तो 80% मुस्लिम है। असम में 4 लोकसभा सीट मुस्लिम बहुल हैं। मुस्लिम वोट यहां कांग्रेस और AIUDF को मिलता रहा है। यही वजह है कि मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली पार्टियां नागरिकता के आंकड़े को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। खुद सांसद बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी AIUDF के कई विधायकों के नाम इस लिस्ट में नहीं है, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि अगली लिस्ट में सब ठीक हो जाएगा। AIUDF से हासिर बशीर अहमद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका NRC में नाम नहीं है, इस पर उनका क्या कहना है? MLA हैं और MLA होने के बावजूद भी नाम नहीं है, सर क्या कहेंगे? देखिए, पहले से ही गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट दे रहे हैं कि ये NRC जो है ये पार्शियल है, पार्टली इसको पब्लिश किया गया है, दूसरा पार्ट अभी तक बाकी है। पहले भी कहा है कि बहुत आदमी का नाम आएगा, किसी का नहीं आएगा और एक फैमिली के कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोग नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा पार्ट में
हमारा नाम आएगा। हमारे जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी लोगों के दिल में एक खौफ है कि जब तक एनआरसी में हमारा नाम दाखिल नहीं होगा और हमें इंडियन सिटीजन का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक डाउट एक शोक हमारे तरफ शोक की नज़र से वो लोग देखेंगे, डाउट हम पर हमेशा करते रहेंगे। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस और AIUDF को 3-3 सीटें मिली थी। बांग्लादेश से आए जो लोग यहां वोटर बन चुके हैं, उनके दम पर यहां की राजनीति में बदरुद्दीन अजमल बड़े प्लेयर हैं। लेकिन 2019 के चुनाव से पहले अगर नागरिकता के लिस्ट में बड़े बदलाव हो गए तो फिर मुस्लिम राजनीति करने वाली पार्टियों को भारी पड़ सकता है, और इसका असर सिर्फ असम नहीं बल्कि आसपास के राज्यों पर भी होगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।